प्यारो बच्चों, मैं आज आपको हमने पिछली कक्षा में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ा था कि पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण चार प्रकार के बताए थे मैंने आपको, और उनके जो पर्यावरण प्रदूषण चार प्रकार के होते हैं कौन कौन से, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। तो बच्चों, इस तरीके से जो प्रदूषण के निराकरण भी बताया था कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। तो पहला है प्रमुख। प्रमुख का मतलब मुख्य, प्रमुख का मतलब मुख्य। परेशान दुखी, परेशान का मतलब दुखी। निराकरण उपाय, निराकरण का मतलब उपाय। भरसक भरपूर, भरसक का मतलब भरपूर। परी चारों ओर, परी का मतलब क्या होता है बच्चों, चारों ओर। आवरण ढकना, आवरण का मतलब ढकना। अंधाधुंध बेहिसाब, अंधाधुंध का मतलब होता है बेहिसाब। लगातार निरंतर, लगातार का मतलब निरंतर। ग्रसित पीड़ित, ग्रसित का मतलब होता है बच्चों पीड़ित। आवश्यक जरूरी, आवश्यक का मतलब जरूरी। जागरूक करना मतलब कि प्रेरित करना, जागरूक का मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। भागीदार हिस्सेदार, भागीदार का मतलब हिस्सेदार। अब हम चलते हैं अभ्यास की तरफ। तो अभ्यास है हमारा, अभ्यास है क उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। किस प्रदूषण के कारण आंखों की बीमारियां होती है? नंबर एक जल प्रदूषण, नंबर दो जनसंख्या वृद्धि, या नंबर तीन वायु प्रदूषण। तो किस प्रदूषण के कारण हमें आंखों की बीमारियां होती है, वायु प्रदूषण। अब आगे देखेंगे कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, पांच चार तीन। तो मैंने आपको कितने प्रकार का बताया था बच्चों, चार प्रकार का। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का। नंबर तीन विश्व की एक प्रमुख समस्या है, नंबर एक सिपाही की, नंबर दो किसान की, या नंबर तीन पर्यावरण प्रदूषण। तो क्या आएगा, पर्यावरण प्रदूषण की। अब नंबर चार है जल प्रदूषण से किस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, नंबर एक पेट की, नंबर दो नाक की, या नंबर तीन गले की। तो जल प्रदूषण से पेट की बीमारियां हो रही है, किसकी हो रही है बच्चों, पेट की बीमारियां हो रही है। अब हम आगे चलते हैं, आगे है हमारा ख उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पर्यावरण की समस्या का निवारण कर हम देश में भागीदार बन सकते हैं। तो पर्यावरण की समस्या का निवारण कर हम देश के विकास में क्या कर सकते हैं, भागीदार बन सकते हैं। तो यहाँ आएगा विकास, देश के विकास में। आगे है नंबर दो कल कारखानों से निकला देश धुआं वायुमंडल को दूषित कर रहा है। तो कल कारखानों से निकला हुआ विषैला, जो विषैला धुआं है वो क्या कर रहा है, वायुमंडल को दूषित कर रहा है, विषैला। अब आगे है नंबर तीन पर्यावरण प्रदूषण के कारण मनुष्य आज कई देश से ग्रसित हो रहा है, आज कई बीमारियों से, किससे ग्रसित हो रहा है, बीमारियों से। बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। आगे है नंबर चार पर्यावरण प्रदूषण हमारे देश की एक प्रमुख देश है। तो हमारे देश की प्रमुख क्या है, समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। नंबर पांच पर्यावरण प्रदूषण के प्रति लोगों में द्वेष उत्पन्न करनी होगी। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रति लोगों में क्या उत्पन्न करनी होगी, जागरूकता, लोगों में जागरूकता, जागरूकता उत्पन्न करनी होगी। पर्यावरण प्रदूषण के प्रति लोगों में हमें जागरूकता उत्पन्न करनी होगी। और ये शब्दार्थ आपके होमवर्क में था, इसको आपको अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों बताइए पर्यावरण के प्रति लोगों में हमें क्या करना होगा, जागरूकता को उत्पन्न करनी होगी। आपको मैंने बताया था कि जो पर्यावरण प्रदूषण है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों पर्यावरण प्रदूषण चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वो चार प्रकार का होता है, और पर्यावरण प्रदूषण के कारण हमारे जो शरीर में अनेकों तरह की क्या लग जाती है बच्चों, बीमारियां लग जाती है। पर्यावरण प्रदूषण से हमारे शरीर में अनेकों तरह की बीमारियां, अनेकों तरह की बीमारियां हैं वो लग जाती है। तो देखिए पहला है पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण लिखिए। तो अब उत्तर नंबर एक लिख देते हैं हम, पर्यावरण प्रदूषण के
प्रमुख कारण निम्न है। नंबर एक, प्रदूषण के कारण निम्न है। नंबर एक यहां लिख देते हैं, नंबर एक है वाहनों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं। नंबर एक क्या है बच्चों? वाहनों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं। नंबर दो है नदियों तथा नहरों से कचरा तथा नहरों में कचरे तथा हानिकारक पदार्थों का विसर्जन मतलब कि हानिकारक पदार्थों का डालना, विसर्जन से। और तीसरा है यातायात के साधन मशीनों और कल कारखानों के उपयोग से ध्वनि प्रदूषण के रूप में। अब आगे है नंबर दो। नंबर चार है कि लगातार वनों की कटाई से इन सब कारणों से हमारा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। अब नंबर दो, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो उत्तर नंबर दो, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण है। नंबर तीन, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो उत्तर नंबर तीन, पर्यावरण प्रदूषण चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक, भूमि प्रदूषण। नंबर दो, ध्वनि प्रदूषण। नंबर तीन, जल प्रदूषण। और नंबर चार, वायु प्रदूषण। तो बच्चों, और ये चौथा और ये जो पांचवा है, ये आपका होमवर्क है। इसे आपको अपने होमवर्क में करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं। ये दोनों प्रश्न आपके होमवर्क में हैं।
आपको ये होमवर्क में करना है, आपने पाठ पढ़ा है, आपको ये अच्छी तरह से, अगर किन किन शब्दों के योग से बना है, परि प्लस आवरण के योग से बना है, परि मतलब चारों और आवरण मतलब ढकने ढकने वाला, तो ठीक है बच्चों ये आपको करने हैं। अब है घ, कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। तो बच्चों कठिन शब्दों के हमें अर्थ लिखने हैं, तो ये मैंने आपको शब्दार्थ में करवा दिए थे। अब देखिए भरसक, भरसक का मतलब होता है भरपूर, भरसक का मतलब क्या होता है बच्चों भरपूर, भरसक का मतलब भरपूर। प्रमुख मुख्य, प्रमुख का मतलब मुख्य, प्रमुख मुख्य। परेशान दुखी, परेशान का मतलब क्या होता है बच्चों दुखी, प्रमुख मुख्य परेशान दुखी। ग्रसित पीड़ित, ग्रसित क्या होता है पीड़ित, ग्रसित पीड़ित। विषैला, विषैला जहरीला, जहरीला विषैला जहरीला। भागीदार मतलब हिस्सेदार, भागीदार का मतलब क्या होता है बच्चों हिस्सेदार, भागीदार हिस्सेदार। अब आगे देखिए विलोम शब्द मतलब जस्ट इसका उल्टा, विलोम शब्द का मतलब क्या होता है कि इसका हमें उल्टा करना है। तो देखिए कम, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो कम का क्या होता है बच्चों अधिक भी होता है और ज्यादा भी होता है, तो कम का अधिक। उचित अनुचित, उचित का क्या होगा अनुचित। छोटा बड़ा, छोटा का क्या होगा बच्चों बड़ा। स्वच्छ अस्वच्छ, स्वच्छ का क्या होगा अस्वच्छ। और ये आपके दोनों है होमवर्क, सुख और दुख, उन्नति अवनति, ये आपको अपने होमवर्क में करना है। तो बच्चों आप इसकी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शब्दार्थ आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से बच्चों हमारा पर्यावरण प्रदूषण का पाठ पूरा होता है। हमने पाठ भी पढ़ा, शब्दार्थ भी किए, प्रश्नोत्तर और भाषा व्याकरण भी की। बच्चों आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा और साथ में याद भी कीजिएगा ये, और जो बुक का वर्क है वो आपको किताब में ही करना है, प्रश्नोत्तर और आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करके याद कीजिएगा। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।